हे गाइस, मैं आज यूट्यूब का कुछ 4-5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा यूट्यूब में बहुत सारा फीचर मिलता है। क्या हम लोग सभी फीचर को यूज करता हूँ? यूट्यूब में जितना फीचर मिलता है सभी को क्या यूज करता हूँ? यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ऐसे नए नए क्रिएटर बोलो है जो लोग को पता है यूट्यूब का जो फीचर है, क्या फीचर किस काम में आता है, किस लिए दिया गया है, ये सारा पता है, तभी वो यूज नहीं करता है। तो गाइस मैं बता दूं, यूट्यूब में जितना फीचर दिया हुआ है ये सारा कुछ ना कुछ काम करता है। तुम्हें खाली ऐसे दिखावे के लिए नहीं दिया हुआ है, कुछ काम के लिए दिया हुआ है, ये आपको सोचना है। लेकिन बहुत ऐसे क्रिएटर को पता होता है तब भी वो यूज नहीं करता है। या मानो बहुत ऐसे नए नए क्रिएटर भी है जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो गाइस मैं जो 4-5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये जो टिप्स है इसको आप यूज करके अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो, या अपना वीडियो अगर वायरल नहीं हो रहा है तो उसको वायरल करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपको डेफिनेटली ये सारा जो टिप्स होता है इसको आपको यूज करना चाहिए, आपका चैनल को ग्रो करने के लिए और भी ज्यादा यूजफुल होगा ये अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो से आप लोगों को और भी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर आईडी आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बहुत ऐसे भी क्रिएटर होता है जिन लोगों को यूट्यूब का जितना फीचर होता है वो सभी पता है, भाई ये जो फीचर है ये इस काम के लिए यूज किया जाता है, ये जो फीचर है इस काम के लिए यूज किया जाता है, वो सारा कुछ पता है, तब भी वो मतलब जितना फीचर है वो यूज नहीं करता है। बस ऐसे ही कंटेंट बना दिया, वीडियो को एडिट कर लिया, वीडियो को अपलोड कर दिया, सारा कुछ डाल दिया, बस कंप्लीट हो गया। व्यूअर्स आ रहा है नहीं आ रहा है उसका बाद में वो सोच रहे, भाई व्यूअर्स क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है, ये सब सोचता है। भाई यूट्यूब में जो फीचर दिया हुआ है ये आपको सोचना है, जो फीचर दिया हुआ है ये सारा फीचर यूज करना चाहिए। ये अगर यूज ना करूं हम लोग तो यूट्यूब क्यों दिया हुआ है, इसका देने का कोई मतलब तो है, ये आपको सोचना है। या मानो बहुत ऐसे क्रिएटर भी होता है तो उन लोग को, बहुत ऐसे क्रिएटर होता है उनमें जिन लोगों को पता नहीं होता है भाई यूट्यूब का कौन सा फीचर किस काम में आता है, सारा कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे में वीडियो या बोलो चैनल को ग्रो करने के लिए ज्यादातर यूजफुल जो होता है वो 4 ऐसे टिप्स मैं बताने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली अपना हर वीडियो में या अपना चैनल में यूज करना चाहिए। वो क्या क्या है आप लोगों को पूरा जानकारी तो इस वीडियो में आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो गाइस क्या आप यूट्यूब का जितना फीचर है सारा फीचर आप अपना वीडियो में या अपना चैनल में यूज करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद गाइस मैं बता देता हूँ कौन सा टिप्स आपको यूज करना चाहिए आपका वीडियो में बोलो या आपके चैनल में। तो गाइस आप भी अगर एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो तो अभी जाओ प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका साथ में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल सके। तो गाइस मैं बता दूं, फास्ट में हम लोग का जो चैनल होता है हम लोग तो बस चैनल को क्रिएट कर लिया, वीडियो को तो अपलोड कर दिया, लेकिन कमी हो रहा है चैनल में, क्या कमी हो रहा है ये आपको देखना है। क्योंकि गाइस आप लोग अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका चैनल को ग्रो कर नहीं पाओगे, वीडियो को वायरल कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो गाइस जैसे कि फास्ट में हम लोग का जो चैनल हम लोग तो क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद उसमें अच्छे से आपको लोगो बनाना है, प्रोफेशनल एक लोगो डालना है, ये आपको ज्यादा मैटर करता है आपको चैनल को ग्रो करने के लिए। लोगो का साथ में आपको पता ही होगा चैनल आर्ट मिलता है, चैनल आर्ट किसको बोला जाता है, जो चैनल हम लोग को ओपन करता हूँ तो लोगो तो शो करता है, उसका ऊपर में जो कवर बैकग्राउंड फोटो होता है वो शो करता है, उसको चैनल आर्ट बोला जाता है। वो आपको भी यूज करना चाहिए, इसमें आपका अट्रैक्टिव लगता है चैनल देखने में। अगर आपका चैनल अट्रैक्टिव लगेगा देखने में तो भाई ऐसे ऑडियंस होता है जो आपका चैनल को देख के सब्सक्राइब कर लेता है, भाई वीडियो का तरफ गया नहीं, आपका चैनल का लोगो देख लिया, चैनल का आर्ट देख लिया, बहुत ही बढ़िया लगा है, डिजाइन एक प्रोफेशनल लगा है, तो उसको ही देख के सब्सक्राइब कर लेता है, ये 100% है। बहुत ऐसे ऑडियंस मिलता है, तो ये आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो आप अपना चैनल का लोगो बना सकते हो प्रोफेशनल तरीके से, या आपका चैनल का आर्ट जो होता है उसको भी आप प्रोफेशनल तरीके डालना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है एक प्रोफेशनल तरीके से लोगो या चैनल आर्ट को कैसे बनाया जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे बनाया जाता है, आप एक प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो लोगो एंड चैनल आर्ट। गाइस और भी हम लोग जो वीडियो तो शूट कर लिया, भाई अच्छे अच्छे कॉन्टेंट तो डाल रहा हूँ, वीडियो तो डाल रहा हूँ, उसमें क्या खराबी है इस वीडियो के अंदर में ये हम लोग फोकस नहीं करते हूँ। बस मैं देख लिया भाई ये कंटेंट अच्छा है, मुझे खुद अगर मैं सोचूं भाई मैं कंटेंट जो बनाया ये कंटेंट अच्छा है, मैं जो एडिट किया ये अच्छा है, तो नहीं होगा गाइस। ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, ऑडियंस को आपका वीडियो अच्छा लगना चाहिए, कंटेंट अच्छा लगना चाहिए। मुझे अगर मैं खुद क्रिएटर हूँ, मैं खुद वीडियो को शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो बाकी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, ये तो कोई बात नहीं है ना। मुझे जो चीज अच्छा लगेगा दूसरे को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों का वीडियो में कोई भी खामी नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ भी खामी रहे तो ऑडियंस को थोड़ा बहुत इरिटेट भी करता है। तो इसलिए गाइस आप लोगों का वीडियो तो आप लोग शूट कर लियो भाई, अच्छे कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वीडियो को शूट कर लियो, एडिट भी हो गया, लेकिन गाइस एडिट करने का टाइम क्या
आप इंट्रो आउट्रो को यूज करते हो नहीं करते हो। तो गाइस आप लोगों को एग्जांपल बता दूं, अभी भी टेक्निकल गुरुजी एक बड़ा एक यूट्यूबर है, तो उनका चैनल में अभी देखो इंट्रो आउट्रो नजर आएगा, टेक्निकल गुरुजी बोलो टेक्निकल होगी सर बोलो इंट्रो आउट्रो नजर आएगा। तो ये गाइस वो लोग अभी क्यों यूज कर रहा है, वो तो इतना बड़ा क्रिएटर हो गया कुछ भी अपलोड कर देगा तो भाई व्यूअर्स आ जाएगा, लेकिन व्यूअर्स आएगा चैनल का जो रीच होता है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि गाइस कुछ भी अपलोड करे तो उसमें चैनल का रीच डाउन हो, इसीलिए गाइस आउट्रो इंट्रो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपका वीडियो को वायरल करने के लिए। तो आप लोग हर वीडियो में आउट्रो इंट्रो को यूज कर सकते हो, आउट्रो इंट्रो सभी को पता है, इंट्रो आपका वीडियो का बीच में कुछ सेकंड का इंट्रो आप लगा सकते हो, या वीडियो का एंड का जो पार्टीशन होता है उसको आउट्रो बोला जाता है। तो इंट्रो आउट्रो आप लोग बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे, तो आप लोग इसको बेस से बना सकते हो आउट्रो इंट्रो को, जिसमें एक ऑडियंस को एक्टिव रखेगा, भाई इसका जो इंट्रो है या आउट्रो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह आप इंट्रो आउट्रो भी बना, वेबसाइट मिल जाएगा जिसमें आप इंट्रो आउट्रो को बड़े आराम से एडिटिंग कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को नहीं पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे इंट्रो आउट्रो को एक प्रोफेशनल तरीके से आप बना सकते हो। इंट्रो आउट्रो को आपको डेफिनेटली हर वीडियो में यूज करना चाहिए, ये आप कभी भी नहीं सोचना भाई मेरा चैनल ग्रो हो गया तो इंट्रो और आउट्रो को बंद कर देता हूं। मैं एग्जांपल बता दिया टेक्निकल गुरु जी, टेक्निकल होगी जी, मैं और भी बहुत ऐसे क्रिएटर है जिन लोगों का चैनल में इंट्रो आउट्रो अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये लोग क्यों यूज कर रहा है ये आप लोग सोचने का विवाद है। तो गाइस ये सारा आप लोगों को चैनल को ग्रो करता है या वीडियो को वायरल करने के लिए यूजफुल होता है। ये जो चार में टिप्स बताए इसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, आप चाहे एंड स्क्रीन यूज करो या एड टू कार्ड यूज करो, भले ही यूज करो ना करो, ये तो आप आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होता है अगर उस वीडियो में व्यूअर्स कम आया है तो उस वीडियो का जो व्यूअर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अगर आपका वीडियो वायरल नहीं होगा तो एंड स्क्रीन एड टू कार्ड लेके क्या करोगी, तो इसलिए वीडियो को पहले वायरल करना मांगता है, चैनल को ग्रो करना मांगता है। तो ये चैनल या वीडियो को वायरल करने के लिए आप लोगों को ये चार टिप्स जो है इसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अगर अभी तक आप लोग यूज नहीं करते हो या आप भी एक नए YouTube क्रिएटर हो आप लोगों को नहीं पता है, तो गाइस इस वीडियो को जाओ अभी लाइक करो और जो मैं बताया उसी तरह आप करके देखो, फॉलो करके देखो, आप लोगों को वर्क करेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया, बहुत होने से भी मोटिवेशन मिला है। तो गाइस मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि YouTube से रिलेटेड हमेशा वीडियो हम लोगों को मिलते रहेगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर आईडी स्क्रीन में शो कर रहा है, फॉलो जरूर कर लेना। तो गाइस प्लीज यार आप लोग कमेंट किया करो, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट करोगे लाइक करोगे तो आप लोगों को हम लोग जो होता हूँ हम लोगों को और भी ज्यादा मोटिव करता है, भैया और भी कुछ नया सोचू, कुछ हटके सोचू, कुछ यूनिक क्रिएटिविटी करूं। गाइस प्लीज जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।